हमीरपुर के पुलिस थाना परिसर में सालाना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर से लेकर शाम तक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के अलावा न्यायिक परिषद के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की, तो शहर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पीपीए सदस्यों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई। हमीरपुर पुलिस थाना परिसर में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर से लेकर देर शाम तक काफी संख्या में लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों ने भंडारे में खाना खाया। भंडारे में एसपी अरिजीत सेन, एएसपी विजय सकलानी के अलावा पुलिस डीडी ऑफिस के कर्मचारियों ने भी शिरकत की। भंडारा में पीपीए के सदस्यों ने भी सहयोग किया। ये भंडारा पुलिस और लोगों के सहयोग से लगाया गया था। पीपीए के प्रधान रमेश चंद ने बताया कि पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार प्रयासों से भंडारा लगाया गया है। पहले भी लगता था, लेकिन 5 सालों में इसको बंद होते हुए जो हमारे एसपी साहब थे उनके सहयोग से और एसएचओ साहब उनके सहयोग से ये शुरू हुआ होता था, उस तरीके से हमने शुरू कर दिया। और ये मतलब पब्लिक का, मतलब पुलिस वाला का, मतलब सदर का है, पूरा ही है। हर साल लगाया था, हर साल का लगता था, लेकिन 5 साल बंद हो गया था। वहीं एसएचओ सदस्य संजीव गौतम ने बताया कि लोगों और पुलिस में तालमेल को बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। शिवरात्रि के बाद भंडारा लगाया जाता है और आज भी काफी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। ये भंडारा जो है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग भंडारे का आयोजन करते हैं। सदर थाना में जो भंडारा था, ये शिवरात्रि के 8 दिन बाद आयोजित होता था। पिछले कुछ वर्षों से ये बंद चला रहा था, परंतु इस बार एसपी साहब के अनुमोदन से और स्थानीय जनता के सहयोग से, पुलिस परिवार के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता और पुलिस के बीच की खाई को पाटना और भगवान के नाम के स्मरण के साथ साथ जनता और पुलिस के बीच में सहयोग की भावना को बढ़ाना।